भाषण के उत्ते जो है बहस चल रही थी तुहानू दस दिए कुछ ही देर दे अकाली दल के आगू जो ने मीडिया के मुखातब होणगे। बिक्रम सिंह मजीठिया मीडिया के मुखातब होए ने। असी मेरा गला जा भी खराब सुनो, असी पिछले तकरीबन सैशन तो एक दिन पहला 11 तरीक नूं स्पीकर साहब नूं सारे विधायक मिले सी, उन्हूं बेनती की सी भी जिहड़ा सैशन का समय है वह घट्टो घट 3 हफ्ते मतलब 15 सिटिंग्स जिहड़ियां होणियां चाहीदियां, ते वह बेनती असी लैके गए सी क्योंकि सानूं खदशा सी कि यह जिहड़ा सैशन है बहुत छोटा रखण दी इहनां दी कोशिश है भी ये मिनिमम जिहड़ा सैशन का ड्यूरेशन रखी जाए, उही खदशा साडा जिहड़ा सच हो गया। तो सिर्फ 8 दिन का सैशन है, कुल जिहड़ा है सैशन का समा 8 दिन का है, इन्ना छोटा बजट सैशन अज तक कदे नहीं होया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो सालों के सैशन छोटे रहे हैं जिथे वोटर अकाउंट हुंदा सी। एक तो जिहड़ा इलैक्शन ईयर दोने इलैक्शन ईयर आम तौर पर स्टेट गवर्नमेंट वोटर अकाउंट करती है, वो सैशन तो हो सकता है छोटा होवे, उस साल 3 सैशन हो जाते हैं, पर जिथे फुल बजट पेश हुंदा है वो इन्ना छोटा सैशन नहीं। सानू स्पीकर साहब ने पूछा भी कहिंदे तुसीं दसो थोड़े वेले किन्ने हुंदियां रहियां सिटिंग्स, मैं उन्हूं रिकॉर्ड कढ़ा के दिखाया, मैं कहा जी 2007 दे विच साडी वोट ऑन अकाउंट सी, 2008 च साडा 13 दिन का बजट सैशन होया, 2009 च फिर वोट ऑन अकाउंट सी क्योंकि इलैक्शन सी, ते 2010 दे विच फिर साडा 14 दिन का बजट सैशन होया। तुसीं जिहड़ा सानू कहिंदे सी भी तुसीं छोटा करदे, रिकॉर्ड थोड़े सामने है, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। मैनू दुख की गल यह भी कहना पैंदा भी आम आदमी पार्टी भी उन्होंने रली हुई है, क्योंकि BSE दे विच जिहड़ा है आम आदमी पार्टी का भी मैं जिहड़े लीडर ऑपोजिशन भी कई बार बेनती की भी आपां नूं कट्ठे होकर इस चीज़ का कोशिश करनी चाहिए भी सैशन वध तो वध होना चाहिए, घट्टो घट 2 दिन का होर वधे, पर उन्होंने कोई इस गल ते हामी नहीं भरी, ना ही उत्थे कोई इस गल का मुद्दा उठाया। सो सानूं यह महसूस हो रहा है भी नहीं तो ऑपोजिशन हमेशा लड़ती है भी सैशन वड्डा होवे, पर इत्थे ऑपोजिशन वालों भी दोनों रल के उन्हां दी है भी यह जिहड़ा सैशन नूं जिन्ना घट्टो घट कर सकते उन्ना कर जाए। आखिर दे विच देखो जो MLA चुने हुए ने खास तौर पर ऑपोजिशन के MLA उन्हां वास्ते तो यही समा हुंदा है आपदियां गल्लां रखण दा, आपदे इलाके दियां गल्लां रखण दा, लोकां दियां मुश्किलां रखण दा। जिहड़े रूलिंग पार्टी के MLA है वह तो जद मर्जी सरकार तक पहुँच करके आपकी गल मनवा लेंदे आ, आपदियां जिहड़ियां डिमांड्स पूरियां कर लेंदे आ, पर ऑपोजिशन का क्योंकि ये असल दे विच जिहड़ा सैशन हुंदे ने इहदे विच ज़्यादा ऑपोजिशन वास्ते ही हुंदे ने, ऑपोजिशन की जिहड़ी है नूं नाल लैके ये सैशन रखने वो भी देखो कोई अज समा नहीं रहा, पुछदे ही नहीं ऑपोजिशन की राय नहीं लैंदे भी किन्ने दिन का सैशन होना चाहिए। BSE च ब्रूट मेजोरिटी क्योंकि उन्होंने मैंबर ज़्यादा ने धक्के दे नाल जिहड़ा है वह पास करा के सैशन को कंटेल करने लगी है, इस तो वधिया तो फिर मैनू लगता कुछ कराउण की लोड़ ही नहीं, आपका स्पीच दे के पास करा लिया कर, बहस कराउण की भी एक दिन की जी फॉर्मैलिटी वो भी करने की लोड़ नहीं, सरकार सीधा आपका बजट रखे गवर्नर एड्रैस रखे तो कहे जी ये पास हो गए तो असी जिहड़ा है छुट्टी करते हैं, जिहड़े इन्ने दिन खराब करते वो भी फिर कानू खराब करने की लोड़ है। सो यह असी श्रोमणी अकाली दल तो भारतीय जनता पार्टी वालों इहदा पूरा सख्त शब्दों में विरोध भी किया, ये जिस तरह का लोकतंत्र का घाण हो रहा है, पहला टीचरां नाल होया आ हुण देखो जे विधानसभा दे विच ही ऑपोजिशन नाल जिहड़ा धक्का हो रहा है सैशन कंटेल करके, मैं समझदा ये एक डेमोक्रेसी वास्ते अज बड़ा दुख भरिया दिन है। इहदे च एक होर एडिशन है जी टू व्हाट परमिंदर जी हैज सैड, तुसी वेखो एक डेमोक्रेसी च या लैजिस्लेचर च ऑपोजिशन का रोल बड़ा अहम मनिया जाता, मगर जो BSE की किन्ने चिर की सिटिंग होनी चाहिए, श्रोमणी अकाली दल ने तो स्पीकर साहब के कमरे च भी वो अगे असी कहा कि इनू बधाया जाए, पहला चिट्ठी लिख के भी दी, अज जब वोटिंग हुई आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस मामले च चुप रहे, इन्ना रल मिल के खेड खेडी जा रही है कि ऑपोजिशन का लीडर अनऑफिशियली मतलब पहला तो अनऑफिशियली कह सकता तो ऑफिशियली कह दियो कि वह कांग्रेस नाल ही रल गया, एंड वड्डा कारण इक्को ही है क्योंकि जे आम आदमी पार्टी
रल के नहीं खेडूगी ते इना दे सात मैंबर वो सारी पावर स्पीकर साहब को लै कि सवेरे उन्होंने डिसकुआलीफाई करती ते सारे जेड़े आ इना दे मैंबर है भावे वह आप दे है भावे वह रिबेल है या जेड़े इस्तीफा दे गए है आई थिंक नथिंग इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन या तो सानू सारिआं नू अनएजुकेटेड हाँ समझ नहीं आ रही कि जा तो दस दिन कि जेड़े इस्तीफा दे जांदे आ प्राइमरी मैंबरशिप अपनी पार्टी की छड जांदे आ उन्हां नू पंजाब दे स्टेट एक्सचेकर चों घर दी फैसिलिटी गड्डी दी फैसिलिटी तनखा दी फैसिलिटी सिक्योरिटी दी फैसिलिटी करोड़ां रुपया उते खर्च हो रहा है। मैं अज पुछना चाहना दैट हू विल बैर दिस एक्सपेंस ये जिहड़ी फैसिलिटीज मिल रही हू विल बैर दिस एक्सपेंस इवेंचुअली एंड इन्हां दे इस्तीफे प्रवान क्यों नहीं हो रहे क्योंकि टेंथ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लीयर है जिदे च कहिंदे कि जे कोई आपकी प्राइमरी मैंबरशिप तो इस्तीफा दे जे ही सीजस टू बी अ मैंबर मगर तुसी अंदर वेख लिया है आपकी सदस्यता बचाने लई सारी कांग्रेस नाल रल मिल के खेडां चल रही ऑपोजिशन का काम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सरकार की कमी पेशियां पंजाब के लोगों के मुद्दों उजागर करना उन्हां दी लड़ाई लड़नी ते सब तो पहली लड़ाई तो असी सैशन लंबा होवे उहदे च भी कॉम्प्रोमाइज क्योंकि पता है कि जे मैं माड़ा जिहा बोलिया नहीं वह सत्त अड कर देने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी चली जानी है तो फिर असी तो कुछ करन जोगे नहीं रह जांगे ये हालात बन गए है हाँ जी सिर्फ कुर्सी बचाने लई पंजाब दे दलता दे मुद्दे पंजाब दे टीचरां दे मुद्दे पंजाब दे किसान दे मुद्दे पंजाब दे नौजवान दे मुद्दे पंजाब दे व्यापारी दे मुद्दे बिजली दे वधे बिलां दे मुद्दे सारी गल ते उह सरेंडर करती है ते तुसीं वेख ही लिया होना आई थिंक इन्ने स्पोक्समैन कांग्रेस दे एक्टिव नहीं जिन्ना उन्हां वास्ते केजरीवाल साहब की सारी पार्टी ते वो दूजे जिहड़े अड होए आ वो एक्टिव होए खड़े आ जस्ट टू सेव देयर मैंबरशिप कोई नैतिकता नहीं रह गई कोई कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पैक्ट नहीं रह गया सारी उत्थे ऑपोजिशन का रोल ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुण तां मैनूं लगदा सवेरे इंस्ट्रक्शन आ जांदियां ने फ्रॉम चीफ मिनिस्टर कि दिस 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 फॉर द डे सपोर्ट दिस एंड दे आर उस तरह अंदर काम चल रहे सो ये हालात नूं तुहाडे कोल लैके आए हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग एंड जिहड़ा आप दा ते रिबेल दा टोटल सरेंडर हो गया एमएलए दे कि सानूं तां स्टेटस ही नहीं पता टाइम डिवाइड करता 22 मिनट अकाली दल दे 2 घंटे कांग्रेस दे 30 मिनट आप दे 30 मिनट दा सर डिवीजन तां दस दिओ उह तां कहिंदे असीं पार्टी च ही नहीं असीं केजरीवाल नूं प्रधान नहीं मानदे उन्हां दे किन्ने मिनट कुछ नहीं पता उन्हां दा स्टेटस की कुछ नहीं पता जिहड़े इस्तीफा दे गए उन्हां दे मिनट किधर गए उहदा कुछ नहीं पता मतलब एडा इट्स सच अ कैओटिक सिचुएशन ते किथे ना किथे महसूस किया जा रहा ये कोई प्रोटेक्ट करन दी कोशिश की जा रही कि कोई अंदर खाते जिहड़ी रल मिल के असीं गल कहिंदे आ कि गठजोड़ जिहड़ा है ये हले अनाउंस तां नहीं होया मगर विधानसभा च देखण नूं शरेआम ही मिल रहा और यही गल पंजाब दे लोकां च लीडर सिर्फ इसलिए किया जा रहा कि जिहड़ी विरोधी धिर दी वोट है क्योंकि पंजाब दे लोग मुलाजम हो गए सारे वर्ग दुखी है सरकार तो वो वोट डिवाइड होकर किथे डिगनी है तो वो यह कि डिवाइड होकर दस थाई डिग जे तो उहदा फायदा कांग्रेस नूं हो जाए सिर्फ इसलिए ये विधानसभा दे नियम ते विधानसभा दे कानून दीआं तज्जियां उड़ाईआं जा रहीआं और जिहड़ी अफसोस की गल आ जिहड़ा असी कम रोकू मता जिहड़े टीचर साहिबाना दा अध्यापकां नाल उत्थे दो तीन इशू होए आ डेमोन्स्ट्रेशन धरना देना हर एक दा संविधानिक हक है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन आप दी करन गए सी मुख्यमंत्री साहब दे जिले च गए सी ते उत्थे जिहड़ियां साडी लेडी टीचर सन साडियां तीआं भैणां उन्हां नूं मैनहैंडल किया गया वीडियोग्राफिक एविडेंस है मगर कोई कार्रवाई नहीं तो कहिंदे लॉ एंड ऑर्डर इन सच ए ग्रेट शेप
तीन रेप हो गए, कल फिलौर च भी हो गया, लुधियाने का इंसीडेंट भी हो गया, 27 घंटिया बाद एफ आई आर दर्ज हो रही है। वो जिहड़ा जिथे इंसीडेंट होया लुधियानवी नू किसे नू शहरी नू जाके पुछो कि उत्थे कई बारी लोकल रेजिडेंट्स ने यह मंग उठाई है नहर के आस पास कि इत्थे गश्त वध होवे, मगर वो नहीं मेडिकल करन अंदर वजीर साहब कह रहे सी कि डाक्टरां नू असीं बड़े पूरे करते हैं, पी एच सी सुधार सी, सुधार ते पी ए मिनी पी एच सी मुलापुर उत्थे डाक्टर ही नहीं अवेलेबल सी ते मेडिकल नहीं हो सके। ये हालात बन गए हैं, सैशन की डेट तुसी वधाओ ना, एंड वैन इज एन ऑपोजिशन ऑपोजिशन जिहड़ी ऑफिशियल पार्टी है वो तो बिकॉज उन्होंने स्टेट उन्होंने फिक्र है कि जे असी ज़्यादा बोले तो साडे मैंबर अड्डो अड्ड हो जाने तो साडे कोल कुर्सी नहीं बचनी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मिलीभुगत खेड रहे हैं, दूजियां नूं गल नहीं कीती जांदी। ये हालात नूं तुहाडे कोल लैके आए हैं कि ऑपोजिशन दे हालात नूं ऑपोजिशन दे रोल नूं किवें आम आदमी पार्टी ते आ दूजे जिहड़े रिबेल ग्रुप है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो सब दे देखण च है, उही पंजाब च, फिर बाहर जाके तो जिन्ना मर्जी रौला पा लो अंदर तो गल ही नहीं होण दिंदी। देखो एक दो ने पटिशन फाइल की भी है, उसका पटिशन का ही निपटारा नहीं हो रहा, करना तो स्पीकर साहब ने है ना जी, एज अ मैंबर आई थिंक इट इज अ राइट एंड एज अ जर्नलिस्ट इट इज योर राइट टू नो कि जिन्होंने इस्तीफा देता है वॉट इज द सिचुएशन, हाउ आर यू डिवाइडिंग टाइम, हाउ इज टाइम बींग, हाउ इज ही स्टिल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बिकॉज तो रल मिल के खेड रहे, स्पष्ट तो करो ना स्थिति की है उत्थे तो कुछ। देखो असी तो फिर कुछ ना कुछ करांगे चलाह नाल, मगर रौला यह है कि असी करांगे उदों पहला इन्हां दा चेहरा थोड़े सामने नंगा कर दिए, जिहड़ी असी कह रहे ना मिक्सड फिक्सड मैच है वो फिक्सड मैच किवें खेडिया जा रहा है वो थोड़े सामने दसण की लोड़ है, बाद च तो फिर जो करना है असी करांगे, आपका रोल तो असी कल भी निभाया, किसानों के मुद्दे नूं लैके आए हैं, तुसीं हैरान होंगे असी कोई गल चुकते हैं, वो जिहड़े वो कांग्रेसी तो घट बोलते हैं, जिहड़े साडे इधर भरा बैठे है वो 2015 की गल है तुरंगे 16 की, यार वी आर इन 2019 फॉर गॉड सेक जाग पो, दो साल सरकार दे हो गए तुसी की वी लिव इन डिनायल, की हालात बने पे है, मतलब अज की स्थिति की गल करन लई असी इत्थे डिबेट करन आए हैं कि गल करन आए, तुसी तुहाडे सामने सारी हाउस की कार्रवाई अंदर वेखो की चल रही, स्पीकर साहब नूं असी पुछदे हैं की स्टेटस है जी, की स्टेटस है, तो वीर तो डोंट गैट एनी आंसर, इफ एनी मीडिया जर्नलिस्ट कैन गैट अस दी आंसर ऑन द स्टेटस, वो कह रहे हैं कि असी तो इस्तीफा देता, वो कह रहा मैं प्राइमरी मैंबरशिप छड़ के पार्टी नवीं बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि कोई प्राइमरी मैंबरशिप छड़े ही सीजेस टू बी अ मैंबर। अजंदर भी बैठे ये तो तुम पूछो ना मॉरल ग्राउंड के सवाल, तुम पूछो तुम ये सारे थोनू कह रहे कि तुम पूछ लो इन्हों के मॉरल ग्राउंड कितने है, एथिकल ग्राउंड कितने है, तो की कानून की है, क्योंकि असी तो हम थोड़े इन द डार्क हो गए हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इतने वक्रा ही कानून चलता है कि कानून चलता, अही तो बहुत कुछ बोलते हैं, साडा तो गला दूजे तीजे दिन ही बह जाता है। देखो साड़ी किसी नाल कोई निजी लड़ाई नहीं है, ये डोंट वांट टू मेक इट टू बी सीन एज वी एक बंदे नूं टारगेट कर रहे हैं, साड़ी असी एथिकली गल कर रहे हैं भी एथिकली उन्हां नूं खुद जिहड़ा करना चाहिए, असी कहिए क्योंकि असी कह के की कराया था की कराया अही तो तमाशा वेख रहे जी, नहीं सानू आप नहीं समझ आ रही, जेड़ा तुसी दस दो तुसी चैनल नाल अखबार नाल संबंधित हो तुही को मैं इस्तीफा देता, सवेरे जाके फिर आपकी कुर्सी डाई बैठे होंगे तो एडिटर भी थोड़ा कंफ्यूज ही होगा ना कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, साडा भी वही हाल है, सानू तो स्टेटस नहीं समझ आ रहा कि है इन्हों का स्टेटस, इज ही वेडेड टू द विधानसभा और इज डाइवोर्स्ड विद द विधानसभा, वी डोंट नो, वी आर एज कंफ्यूज एज यू आर।
एंड असी मैं बार बार कहां असी तां नहीं थोड़ा हले कर रहे एक्सीलेटर ते पैर नहीं धर रहे मुड़ के फिर उन्होंने साढ़े नाल दर्द होना शुरू हो जाता मगर एक्सपोज तो करिए थोनू सच्चाई तो दसीए कि रले किवें आ दाल च कुछ काला नहीं दाल सारी काली है वो पता नहीं की उत्थे उन्होंने की किया गया कि थोड़ी कुर्सी नहीं जाऊ एको शर्त नहीं जाऊ लीडर ऑफ अपोजिशन की जे रल के खेडोंगे फिक्स्ड मैच खेडोंगे जे किसी ने अभी नवी की नहीं कि उदो गड्डी भी गई गनमैन भी गए सब कुछ गया मैं लगता वो चक्कर ची करते नहीं कुछ सौ होर की मैं कह रहा मैं तो थोनू बाहर की गल ही रौला पा रहा उही तो मैं गल कह रहा कि ऑपोजिट लोग मगर पंजाब के लोग बड़े सियाने समझ जाएंगे सारिया खेडा तो तुसी दसो बीएसी की मीटिंग च ढींसा साहब ने एक बारी नहीं ऑपोजिशन मैंबर लीडर नू चार बारी क्या बोल रहा कुछ आर यू सैटिस्फाइड विद द टाइम बोले ही नहीं आ हाउस के अंदर बोले जी उठ के कि टाइम इज अब सो ही इज जस्टिफाइंग कि जो कर हाँ जी नहीं वो तो बहुत कुछ कहते हैं जी हम उन्होंने की घर गल का थोड़ी जवाब देना तो बहुत कुछ तुसी ना जेड़ा अज संविधान नू बचा लिए कॉन्स्टिट्यूशन नू बचा लिए जिस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की असी काम करना उस नू बचा लिए मैं तो वो गल करता चलो देखो हुण उहनां दी आपदी मर्जी है ओपोजिशन लीडर की कोठी है उत्थे ओह की करदा नहीं करदा उह ते देखो असी भी नहीं उस पैणा चाहुंदे पर असी गल कह रहे हां पर पार्टी दा ऑफिस चल सकदा असी देखो मैं उह ते असी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहुंदे पर गल सिर्फ इन्नी है भी अज इह क्लीयर हो रहा है भी उह आपदी कुर्सी बचाउण वास्ते दोने जिहड़े सस्पेंड होने ने वह भी आपदे आप नूं बचाउण नूं फिरदे ने लीडर ऑफ ओपोजिशन भी आपदी कुर्सी वह सारे कांग्रेस पार्टी के दबाव थले उत्थे मतलब जो उन्होंने एक ओपोजिशन का रोल होना चाहिए वो रोल नहीं अदा हो रहा एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हो गया समझ लो जे ओपोजिशन जी प्राइमरी ओपोजिशन से रूलिंग पार्टी जो रल जाए तो फिर उत्थे की होगा एक खजाना खजाना तो पंजाब के लोगों का है ना वो लुट चरेआम लुट दसो कमाल हो गई यार वी आर टॉकिंग अबाउट लैजिस्लेचर आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग धज्जियां उड़ाइया जा रही उत्थे तो हाले कोई एमएलए बनया ही नहीं बनता लैन दो विधानसभा से तो पहुंच लैन दो नहीं मिलना तो कोई मतलब नहीं हो गया भी कोई समझौता नाले कह दो तुम देखो मिलन का जोड़ा कोई मिलते आप किसी लीडर भी वह मतलब यही भी अगला समझौता हो गया कोई आपके परसनल रिलेशन करके भी मिल सकता कोई वह मतलब यह नहीं भी उन्होंने कोई उन्होंने समझौते की गल या कुछ होर कर गए ने हजे तो पार्टी का क्लीयर है भी फर्स्ट बयान दे चुके हैं सुखबीर जी भी फर्स्ट प्रेफरेंस साड़ी असी बीजेपी ही देवे भी बीजेपी जो समझौता सुन आई थिंक इशू इज रिगार्डिंग विधानसभा इशू इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ ऑपोजिशन इशू इज रिगार्डिंग पंजाब के लोगों के मुद्दे की गल चुकनी इशू इज रिगार्डिंग फिक्स्ड मैच मेरे हिसाब नाल आम आदमी पार्टी से इन्हों रिबैल ऑर्डर ही जाखड़ साहब तो लै रहे कांग्रेस भवन तो लै रहे तदे तो कुछ कही कुछ नहीं रहा कोई थोनू स्टेटस पता लग जाए सानू दस दियो मैं तो कहना यार अंदर कोई गल उही तां रौला क्यों मंग रहे टाइम जे टाइम वधूगा तो सारे रौले आउणगे विधानसभा के अंदर असी तो काम रोकू मता लियाउने अज रूल दसा कि उहदे च साइड किया गया आ कापी कढ लियो 61 आम कानून एक्स कि जेड़ा टीचरां नाल जिन्हों गुरु का दर्जा दिता जाता है या साड़ी लेडीज नाल बेपत्ती हुई है एक आम कानून का मामला हुण लाठीचार्ज एवें तो हो नहीं गया मुख्यमंत्री साहब के हुक्म नाल ही होया होना उन्होंने घर दे अगे हो रहा उस दो होम मिनिस्टर टीचर कह रहे गल जदों मर्जी करन दी उन्हां दा उन्हां नूं पक्के कर देण उन्हां नूं 15,000 जिहड़ी करती आ केस वापस कर देण हां केस वापस कर देण जिन्हां ने धक्का कीता उन्हां दे केस दर्ज कर देण उन्हां नूं पक्के कर देण ते गल मुक्के ओह तां 2 साल दे सुन रहे
हले तक तो मिले नहीं। परमिंदर जी देखो अज जब असीं वॉकआउट किया जिथे टीचर का एक स्पेसिफिक मसला सी उत्थे सारे जिहड़े मुलाजम वर्ग है उन्हों का मसला भी विच है। असीं बजट सैशन से बेस्ट बजट के मैं क्वेश्चन भी लाए ने उन्होंने जिहड़ी बेसिकली डिमांड्स की ने पे कमीशन की होगी डीए की होगी डीए के एरियर की होगी वो सारे सवाल असीं लाए हुए हैं हुण नहीं लाए लगातार तीन सैशनों तो असीं उन्हों का मैटर टेकअप कर रहे हैं पर सरकार ने अज तक कोई जवाब नहीं दिता ता ही असीं अज भी कहा भी असीं मुलाजमान दीआं जिहड़ीआं मंगां ने उन्हां मसलिआं ते मुलाजमान दे नाल खड़े हाँ ये सारिया मंगा मनिया जान अते नाल ही जिहड़ा असीं एक्ट बनाया सीगा मुलाजमान नूं रैगूलर करदा वो एक्ट नूं लागू किया जाए जे वो एक्ट ही लागू कर देण तां सारा दा झंझट ही टीचरां दा खत्म हो जाएगा कोई मसला ही नहीं रहना। यह तो सरकार ही जिहड़ी है यह जानबुझ के वह कर रही है असीं सारिया मंगा असीं आपदे पद्धर ते रेगुलरली तुसीं प्रेस च भी देखिया असीं किन्नी वार चक्कियां असीं उन्हां नूं मिलके भी मुलाजमां नूं बुलाया भी है उन्हां नाल भी अकाली दल ने दफ्तर मीटिंग की है मुलाजम जथेबंदियां दी उन्हां दे मसलियां दी सो असीं उन्हां दे नाल बिल्कुल उन्हां दी मंगां ते उन्हां दे नाल खड़े हां ते उन्हां दे नाल समर्थन करांगे। नहीं असीं देखो साल पहला बनाया सीगा उन्हूं कमिशन नूं साल डेढ़ साल का लगती है ना रिपोर्ट कर पेश कर जे आप कही भी नाल दी नाल ही मिनिमम साल डेढ़ साल का समा हुंदा जिहड़ा रिपोर्ट बनाउणी ते पेश करनी है हुण तां तीन साल तो साढ़े तीन साल तो हो गए हुण तक दीआं सारीआं पे कमिशनां जिहड़ीआं ने अकाली दल ने लागू कीतीआं ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है सारी पे कमिशन दीआं रिपोर्ट अकाली दल लागू कीतीआं कांग्रेस ने एक भी नहीं की। 4000 करोड़ उन्हां दा ड्यू है जी डीए का पीएफ नहीं मिल रहा वो दिंदे क्यों नहीं When will all the discussion happen? Leader of opposition ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਮੁਤਾਈ 22% ਡੀਏ 22% ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਉਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ हिंदी च बोल दे हिंदी च राहुल गांधी को भी पता है ये राहुल गांधी और केजरीवाल का फिक्स्ड मैच ये पंजाब में भी चल रहा है दिल्ली में भी चल रहा है ये तो सब जग जाहिर है देश में भी चल रहा है पंजाब विधानसभा में भी फिक्स्ड मैच चल रहा है ऐसे हो रहा है कि जो कांग्रेस भवन से प्रोग्राम फाइनल होके आता है वैसी ये लीडर ऑफ अपोजिशन और वो जो दूसरे इनके एमएलए हैं बागी वो अपना रोल अदा करते हैं नहीं तो कोई इस्तीफा दे जाए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है वन नन ऑफ अस अबव द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर एवर उसकी धज्जियां उड़ाइया जा रही और सारा कुछ एलओपी की कुर्सी बचाने के लिए फिक्स्ड मैच चल रहा है और कुछ नहीं है कांग्रेस के साथ गठजोड़ ही इस बात का चल रहा है कि हमारे 7 एमएलए हमसे अलग हो गए हैं 3 इस्तीफा दे गए आपने किसी का इस्तीफा प्रवान नहीं करना ये 7 को मानना नहीं अलग है और हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी बचाई रखना हम आपके साथ रल के खेलेंगे फिक्स्ड मैच खेलेंगे अकालियों को घेरेंगे बीजेपी को घेरेंगे इकट्ठे रहेंगे इकट्ठे मौज करेंगे एक्सचेकर को लूटेंगे धजियां उड़ाएंगे। विक्रम सिंह मजीठिया ने स्पष्ट शब्दों के विच कहा कि आम आदमी पार्टी जो अपने विधानसभा के विच विरोधी धिर दे आगू की कुर्सी बचाउण दे लई कांग्रेस के नाल रली हुई है उन्होंने कहा कि दोहें पार्टियां रल के कोई चर्चा नहीं होण दे रहियां आम आदमी पार्टी तो बागी हुए विधायकों से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही उन्होंने संविधान का हवाला दिता है कि जब कोई विधायक एक पार्टी की प्राइमरी मैंबरशिप तो यानी कि मुढ़ली मैंबरशिप तो इस्तीफा दे दिंदा है तो फिर उसकी विधायकी जो है रद्द कर दी जाती है। उन्होंने एचएस फूलका का जिक्र भी किया जिन्होंने अपना अस्तीफा खुद जो है स्पीकर नूं भेजा है पर स्पीकर ने उन्हों का अस्तीफा जो है हाले तक प्रवान नहीं किया। तो इजलास की मियाद
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਣ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।